नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। अब यूपी में भी नशा कारोबारियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र की तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब उत्तर प्रदेश में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। पुलिस का ये स्पेशल दस्ता न केवल नशा कारोबारियों पर प्रहार करेगा, बल्कि राज्य की सीमाओं पर गौ तस्करी पर अंकुश लगाने के साथ ही आरोपियों पर बुलडोजर भी चलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी के निर्देश पर राज्य सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। इस दस्ते को नशा कारोबारियों के धर पकड़ से लेकर उसकी संपत्ति जब्त करने, सार्वजनिक स्थानों पर उनके पोस्टर लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस तरह के कारोबारियों को चिन्हित कर अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की भी छूट दी गई है। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षण संस्थाओं के पास से तंबाकू व पुड़िया बेचने वाली दुकानों को तत्काल हटाने को कहा है। प्रदेश सरकार में नशाखोरी रोकने के लिए कई अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत सभी स्कूलों में तंबाकू उत्पादनों के लाभ हानि की जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। एसटीएफ पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर सकेगी। इसके लिए प्रदेश को तीन हिस्सों, पूर्व, पश्चिम और मध्यम क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र की जिम्मेदारी एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को दी गई है। तीनों क्षेत्र में सरकार ने पीपीएस अधिकारियों की तैनाती के साथ ही उन्हें तत्काल एक्शन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उधर सरकार के आदेश के साथ ही एसटीएफ ने सबसे पहले मदक पर्दातों, खास तौर पर अवैध शराब की मांग कम करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। प्रदेश के तीनों क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई और जागरूकता कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने फिलहाल 250 तर्ज तस्करी अफसरों को तैनात किया है। इन अधिकारियों को आवश्यकता के मुताबिक पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर काम करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगते जिलों की पुलिस को भी सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सभी जिलों में पहले से एंटी नारकोटिक्स सेल बनी है, लेकिन पहली बार मदक पदार्थों व अवैध शराब की जब्तीकरण, एसटीएफ पंजीकरण व विवेचना की शक्तियां प्राप्त होंगी। नशा कारोबारियों के खिलाफ योगी सरकार ने जो एक्शन लिया है, उसे ये तो साफ हो गया है कि यूपी में अपराधी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। बाबा का बुलडोजर हर एक अपराधी के खिलाफ चलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।